हेलो जी, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आपके लिए बिल्कुल ब्रांड न्यू ताज़ा व्लॉग लेके आ चुका हूँ। आज भी हम बहुत सारी मस्तियाँ करेंगे, बहुत सारी चीज़ें करेंगे जैसे हमने पिछले व्लॉग में करी थी। तो आज के व्लॉग में मेरी मोबाइल भी ज़रा चल नहीं रहा है, मोबाइल की डेटा केबल भी ख़राब हो गया है, मुझे माइक भी लेना है, वायरलेस और बहुत सारी चीज़ें लेनी है। तो इन चीज़ों के लिए हम जा रहे हैं बारा मार्केट, जो सदर में है, और वहाँ पर होल सेल के प्राइस में आपको इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें मिल जाती हैं। तो बोलने जा रहे हैं आपको, मैं वहीं मिलता हूँ। सकते हैं हम यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, तो ये देखिए मैंने सेल्फ स्टिक ले ली है, इसके प्राइस 400 रुपीज़ हैं, लाला ने मुझे दी। और यहाँ पे बहुत और चीज़ें हैं जैसे कि ये ले लें एयरपॉड्स और वगैरह। लाला ये एयरपॉड्स की क्या प्राइस है? 2000। पावर बैंक वाले मोबाइल भी चार्ज कर रहे हैं। तो इसके लास्ट प्राइस क्या हो जाएंगे? 1800 का लास्ट, 1600 रुपये का। और लाला हेडफोन के? हेडफोन ही 800 रुपये के। 800 रुपये हेडफोन है। चलो ये सेल्फ स्टिक कर दो। और मैंने दो डेटा केबल भी ले ली लाला से, इसके अंदर है, मैं आपको जाकर दिखा दूँगा। ये वाला ये मिलेगा आपको अलग अलग कर से 1600 का, 1500 का, लेकिन ये 2500 वाट है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक आइटम के अलावा और भी बहुत चीज़ें, घर की डेकोरेटिंग के लिए बहुत चीज़ें हैं। मैं यहाँ पे थोड़ी टाइप सी केबल वगैरह देख रहा था। ये टाइप सी केबल के प्राइस अराउंड 500 बता रहा था। और इस एडाप्टर की क्या प्राइस है? ये 350। मैंने अपनी दो तीन चीज़ें लेके मैं अब घर की तरफ जा रहा था। तो जो मैंने तीन आइटम्स लिए थे इलेक्ट्रॉनिक, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहली चीज़ मैंने ये सेल्फ स्टिक ली थी, जो अराउंड मुझे 400 की पड़ी थी। तो ये फ्लेक्सिबल भी बहुत है, और जैसे देखें ये मतलब बड़ी भी हो सकती है, अगर आप ज़्यादा हाइट से फ़ोटो ले सकते हैं, वो भी इसमें ऑप्शन है। और इसका ये बटन भी है, ये वर्क करता है, बट वहाँ सेल नहीं थे तो मैंने सेल नहीं डालते, वहाँ पे हमने चला के चेक करा था। और इसकी एक और ख़ासियत है, ये स्टैंड भी बन जाता है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखें आप इसको एक जगह स्टैंड के तौर पे यूज़ करके रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे, मतलब एक सेल्फ स्टिक में इतने ऑप्शन थे। और अराउंड ये अगर आप नॉर्मल शॉप पे जाएंगे तो आपको 900 से कम नहीं पड़ती। तो मैं आपको और दूसरी चीज़ दिखाता हूँ मैंने क्या ली। और मैंने यहाँ पे दो डेटा केबल ली थी, आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो साइड में देखो यार, सबसे पहले डेटा केबल, ये आईफोन डेटा केबल है। और ये इसकी सबसे बड़ी चीज़ ये है, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब खिंच जाती है, और अगर ये कहीं से अगर डैमेज हो जाती है तो इसके ये बिल्कुल आप काट के बिल्कुल जो उसके जिससे वो प्रोटेक्ट है आप उसके अंदर लगा सकते हैं। इसमें एक खासियत है और ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी। अब देखें 200 के हिसाब से तो बहुत अच्छी है, अगर नॉर्मल शॉप पे जाएंगे तो ये आपको 500 तक की तो पड़ी जाएगी। तो हम अभी दूसरे डेटा के बिल की बात करते हैं। इसके अंदर तीन ऑप्शन है, हाँ इसके अंदर तीन ऑप्शन है, एक टाइप सी का है, एक आईफोन का है, और एक नॉर्मल जो हम चार्जर यूज़ करते हैं। ये भी मुझे अराउंड 200 की पड़ी है, ये मैंने पहले भी ऑनलाइन मंगाई थी, ये अराउंड मुझे जो ऑनेस्ट बात है ये मुझे 1200 की पड़ी थी, मगर उस शॉप से हमें 200 की पड़ी थी। तो यही थी आगे ब्लॉग इन्जॉय कर वहाँ पर अगर आप शॉप पे जाओगे वहाँ आपको तकरीबन आपको पता नहीं 800-900 की तो मिलेगी मेरे ख्याल से। तो अभी मैं घर पे आ चुका हूँ, मैं बोर बैठा था, मैंने बोला क्यों ना गाय को ठहला लें, तो मैं अभी नीचे आ रहा हूँ गाय को ठहला लें। चला के
आ चुके हैं, तो अब हमें गाय का चारा लेने जाना है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी मैंने भूसा बना के रखा है, अब चोकर लेने जाना है, चोकर। तो चलो हम चोकर लेने चलते हैं। चोकर क्या रुपए किलो है? चोकर क्या रुपए किलो है? 8 किलो दे दो। तो हेलो गाइस, मैं इसका चारा लेके आ चुका हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, आप इसका फौरन चारा बनाते हैं, फिर जो इसको पानी पिलाते थे, फिर इसके लिए चारा बनाएंगे। आ जाए आपके भाई ने गाय को चारा भी दे दिया, आपको लेके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की मार्केट भी लेके गया। चाहे तो आप विजिट कर भी सकते हैं सदर में, आप किसी से भी जाके पूछेंगे बाड़ा मार्केट किधर है, वो आपको सीधा बता देगा। तो यही था आज का ब्लॉग, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। इस ब्लॉग को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलेगा। मैं मिलता हूँ आपको अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।